हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या बर्बेरिस वल्गैरिस को आप गॉल ब्लैडर स्टोन में ले सकते हैं, पित्त में जो पथरी होती है आप उस मदर टिंचर को वहां पे ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस एक होम्योपैथी की मदर टिंचर मेडिसन है, पोटेंसी में भी है, लेकिन इसको पथरी के जब भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट सबसे पहले यही मेडिसन लेना प्रेफर करते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि गॉल ब्लैडर की स्टोन किन किन मेडिसिन से निकल सकती है और कितने साइज तक की निकल सकती हैं और कितनी छोटी भी निकल सकती हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, सर हमारी स्टोन 10 mm की है, हमारी 4 mm की है, निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो वह सारे इतने सारे कमेंट किए हैं लोगों ने, लेकिन अगर वह पूरा वीडियो देखती तो उनको कमेंट करने की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे कहने का केवल यही उद्देश्य है कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो के अंदर ही जवाब मिलेगा, और बिना वीडियो देखे आप नीचे पूछ रहे हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपके इसके अंदर आपको आंसर मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बर्बेरिस वल्गैरिस से पथरी निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी, हाँ या ना में आंसर देना है तो मैं आपको आंसर दूंगा हाँ पथरी निकलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं यार। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो अपने होम्योपैथी के सिम्टम्स हैं। अगर आपके अंदर लक्षण मिल रहे हैं बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर से मेडिसिन से तो आपकी पथरी जरूर निकलेगी, अगर वह ज़्यादा बड़ी पथरी नहीं है। और वह सिम्टम्स क्या हैं, वह लक्षण क्या हैं, खास करके इसमें पेन के लक्षण हैं, आपको जो दर्द होता है उसके लक्षण हैं कि आपको दर्द किस तरीके वाला होता है। तो सबसे पहले ये जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पित्त में पथरी है, उनको अगर पेन होता है सडनली, तुरंत से पेन हो रहा है, स्टैबिंग टाइप का पेन हो रहा है, जैसे किसी ने वहाँ पे चाकू घुसेड़ा हो, जैसे कि हमारा लीवर है, खास करके जो पेन होता है लीवर के ऊपर होता है, लीवर पे होता है, तो इसको जो पेन की सेंसेशन है वह आपको सडनली होगा, तुरंत से होगा, स्टैबिंग टाइप का पेन होगा, स्टिचिंग टाइप का पेन भी हो सकता है कि कोई चीज वहां पे चुभ रही है, इस तरह का होगा कि किसी ने पंचरिंग कर दी है, वहां पे किसी ने पंचर कर दिया है। इस पेन की एक खास बात होती है कि पेन वॉन्डरिंग टाइप का होता है, पेन रेडिएट होता है। अब यह रेडिएट कहाँ को होता है, आगे से लेके पीछे को ही रेडिएट हो सकता है, आगे से लेके साइड को रेडिएट हो सकता है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में पेन पेशेंट को होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी तेज वाला पेशेंट को दर्द होगा। टेरिंग टाइप का पेन होगा, जैसे कोई चीज़ वहाँ पे फट रही है। बर्निंग टाइप का पेन होगा, जैसे कि वहाँ पे कोई चीज़ जलन कर रही है। तो दोस्तों ये सारे इसके पेन के करैक्टर हैं। अगर इनमें से कोई भी करैक्टर आपके अंदर मिल रहे हैं, 2-3 मिल रहे हैं, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आप देखें आपकी जो पथरी अगर छोटी है तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ले सकते हैं। एक सिम्टम और होता है इसमें कि पेशेंट को थोड़ी सी भी मूवमेंट से पेन स्टार्ट होता है, कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन हो रहा है, आपके यहाँ पेट में दर्द है और आपको इतना भयंकर दर्द है कि आप थोड़ा हिल ढुल भी नहीं पा रहे हैं, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन, थोड़ा सा भी चल फिर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। तो इस तरह के अगर आपके अंदर दर्द हैं, इस तरह की कंडीशंस आपके अंदर हैं, ये मॉडलिटीज है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर इस तरह की करेक्टरिस्टिक नहीं है आपके अंदर तो आप ये मेडिसिन ना लें। आपको जो उस वीडियो में मैंने मेडिसिन बताई है आप वही मेडिसिन लें, क्योंकि उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर क्या हम बर्बेरिस वल्गैरिस को गॉल ब्लैडर स्टोन में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जवाब है, अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसको जो लेने का तरीका है, आपने 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है और आधे कप पानी में लेनी है, और लगभग खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको मेडिसिन लेनी है। यहाँ तक कि इसका जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो पेशेंट को हो जाती है उसके कॉलिक में तो काम करती है, लेकिन इसको डिजोल्व भी करना शुरू कर देती है अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ में जो पेशेंट को जॉइंटिस हो चुका है, पीलिया हो गया है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं।